राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं और लोगों के दिलों में एक ऐसी छाप छोड़ना चाहते हैं कि वर्षों तक वे लोगों को याद रहें। तो दोस्तों, महात्मा गांधी से बेहतर आपके सामने और विकल्प नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ कि महात्मा गांधी एक ऐसी किताब की तरह है जिसको पढ़ने के बाद, जिसे समझने के बाद कोई भी खाली हाथ नहीं रह सकता। लेकिन आज हम आपको महात्मा गांधी से जुड़े ऐसे तथ्य बताने वाले हैं जो आपके मन में संशय पैदा करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकास ठेकरे और आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर वन पर आता है कि महात्मा गांधी अपनी 46 वर्ष की आयु तक कभी दिल्ली नहीं आए थे। महात्मा गांधी दिल्ली पहली बार 12 अप्रैल वर्ष 1915 को आए थे। दोस्तों, नंबर दो पर आता है कि 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता अपनी मृत्यु के दिन, जब वे मृत्यु के पहले प्रार्थना सभा में जाना था तो प्रार्थना सभा में जाने के लिए देर हो गए थे और उन्होंने प्रार्थना सभा में पहुंचने के लिए एक छोटा रास्ता चुना। नंबर तीन पर आता है कि वर्ष 1931 की अपनी यूरोपीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रोमैरोला और चार्ली चैपलिन और बेनिटो मुसोलिनी जैसे लोगों से मुलाकात की थी। और नंबर चार पर आता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय दक्षिण अफ्रीका में गुजारा था और उन्होंने इस यात्रा के दौरान, इस निवास काल के दौरान, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में दो आश्रमों की स्थापना की थी। पहला था फीनिक्स सेटलमेंट आश्रम और दूसरा था टॉल्स्टॉय आश्रम। दोस्तों, उन्होंने टॉल्स्टॉय आश्रम की नींव रूस के महान कवि और लेखक टॉल्स्टॉय की जीवन से प्रेरित होकर उनके नाम पर रखी थी। दोस्तों, नंबर पाँच पर पहुँचे तो नंबर पाँच पर रोचक तथ्य है कि 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी नमक यात्रा के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती से दांडी की ओर चले तो ये लौट कर कभी साबरमती नहीं आए। तो दोस्तों, ये पांच ऐसे रोचक तथ्य हैं कि जो आपके मन में संशय पैदा करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साबरमती लौटकर क्यों नहीं आए और अपनी मृत्यु के दिन में लेट क्यों हो गए थे और दूसरा रास्ता किसने उन्हें चुनने के लिए कहा और वे मुसोलिनी जैसे एक तानाशाह नेता से क्यों मिले, और ऐसे ही कई मन में सवाल उठते हैं जो हम अगले वीडियो में दूर करेंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी का जीवन हमें कई प्रेरणा देता है और एक सीख यह देता है कि आप दूसरों के जीवन में तभी उन्हें अपनी राय प्रस्तुत करें जब उस राय का आप स्वयं अमल करते हों। इसलिए दोस्तों, किसी को ज्ञान देने से पहले यह जरूर सोच ले कि वो ज्ञान आपके जीवन में है या नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा हमारे दिलों में और हमारे मन मस्तिष्क में उनके सिद्धांत अमर रहेंगे। और जय हिंद।